पाकिस्तान में चीन के राजदूत याओ चिंग ने सीपैक पर पाकिस्तान को जो आईना दिखाया उससे पाकिस्तान के उन तमाम चेहरों पर हवाइयां उड़ गई है जो कल तक आंखों में सुरमा डालकर उन्हें मटका कर तालियां बजाया करते थे। यानी एक सीपैक के बन जाने से इनके तबेलों में भैंसे गोबर की बजाय 4 किलो का प्रोटीन युक्त अंडा देने वाली थी। पर उसी सीपैक पर याओ चिंग ने कहा है कि अगर पाकिस्तान या पाकिस्तान की जनता यह सोचती है कि यह परियोजना पाकिस्तान की तरक्की कर सकती है तो यह बड़ी भूल होगी। सीपैक से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था या उसकी गरीबी दूर नहीं हो सकती है। मजे की बात यह है कि चीनी राजदूत का यह बयान उस वक्त आया है जब पाकिस्तान के अटखेले वजीर आजम इमरान नियाजी चीन में तशरीफ के लटके झटके दिखाकर शी जिनपिंग के समक्ष मुद्राभ्यास कर रहे हैं। उनके साथ पूरी साध संगत भी गई है जो अपने वजीर आजम के मुजरे पर ढोल पर थाप दे रही है। दरअसल इस वक्त पाकिस्तान में सीपैक का काम बिल्कुल ठप हो गया है। इस साल फरवरी तक चीन ने अपने उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री और सेना के जनरल फांग फेंगतू तक को पाकिस्तान को राजी करने के लिए पाकिस्तान भेजा, पर पाकिस्तान ने सीपैक को लेकर उस वक्त गंभीरता नहीं दिखाई। वैसे भी उसके पास इतना पैसा ही नहीं था जो वह काम आगे बढ़ा पाता। हालत यह थी कि सीपैक परियोजना से जुड़े सैकड़ों ठेकेदारों के अरबों के चेक्स बाउंस होने से विवाद और ज्यादा बढ़ गया। संभवतः इसी वजह से भी चीन की नाराजगी बढ़ती चली गई। अब फिर से पाकिस्तान ने धूर्तता दिखाते हुए चीन को सैद का करीम रोल देने की चाल चली है। इमरान चीन को फिर से सीपैक पर भरमा कर कश्मीर पर उसका वरदस्त प्राप्त करने की फिराक में है, पर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और भी चल रही है। इस वक्त पाकिस्तान को भारत के बाद कोई दूसरा डर सता रहा है तो वह एफएटीएफ के द्वारा ब्लैकलिस्ट होने का डर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यह दौरा उसके संदर्भ में भी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इमरान खान समझ चुके हैं कि गोबर के ढेर पर बैठे पाकिस्तान के दिन और भी बुरे होने वाले हैं। ऐसे में चीन ही एकमात्र देश बचता है जो उसे इन मुसीबतों से निकाल सकता है। पाकिस्तान को आशा है चीन उसे एफएटीएफ के चंगुल से बचा लेगा, पर चीनी राजदूत याओ चिंग का बयान तो यही इशारा कर रहा है कि अब उसने पाकिस्तान से अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं। इसकी वजह भी है, पाकिस्तान के कारण चीन की अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में किरकिरी हो रही है। बड़ी बात यह है कि अब भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ चीन का नाम जोड़कर उसे भी लपेटना शुरू कर दिया है। मसूद अजहर के प्रकरण में चीन की जिस प्रकार छिछालेदार हुई, फिर पाकिस्तान की मान मनोबल पर कश्मीर मुद्दे को लेकर वे संयुक्त राष्ट्र में गया, उससे चीन की फजीहत हद से ज्यादा हुई है। इससे चीन दुनिया में अलग थलग दिखा। यह किसी भी देश के लिए शर्म की स्थिति होती है। इमरान जहां पाकिस्तान के स्वार्थ के लिए चीन की मिट्टी पलीत करा रहे हैं, वहीं चीन को उसकी नौटंकी से बदनामी हासिल हो रही है। चीनी थिंक टैंक यही सवाल उठा रहा है कि पाकिस्तान की कारगुजारियों में उसका साथ देकर चीन को कौन सा लाभ हुआ है। इमरान नियाजी गम की पोटली सिर पर रखकर पेचिंग के काठ गोदाम में धुना रमा रहे हैं, जबकि शी जिनपिंग पाकिस्तान को लेकर अपनी नीतियां फिर से तैयार कर रहे हैं। यह ठीक उसी तरह का मामला है जैसे कोई भिखारी सुबह की नमाज पढ़कर घर से निकले और बाहर खड़े शैतान बच्चे उसका तैमन खोलकर चलते बने। यानी बोहनी ना बट्टा, बिना मतलब हो गया ठट्टा। मतलब इमरान नियाजी को चीन से कुछ मिलेगा, याओ चिंग ने पहले ही इस पर ना की मोहर लगा दी है। इमरान नियाजी 22 लाख पाकिस्तानी रुपए अपनी यात्रा पर उड़ाकर उपास के साथ ही चीन से रुखसत होगा। वैसे भी उस मुल्क का कोई सम्मान नहीं होता जो दुनिया की झूठन को मालपुआ समझकर खाने पर गधैया नर्तक करता है। कमाल की बात यह है कि इमरान खान अपने कार्यकाल में तीसरी बार चीन में मुजरा कर रहे हैं, पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनके पाकिस्तान में आने का निमंत्रण हर बार ठुकराया है। अब वही जिनपिंग अगले हफ्ते भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। वे पीएम मोदी के साथ 7 घंटे में 4 बैठकें करेंगे, जिसकी कुल अवधि 5 घंटे या 315 मिनट होगी। हालांकि दोनों नेताओं की बैठक से पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश में स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक हो रहे सैन्य अभ्यास पर आपत्ति जाहिर की है। पर दोनों सुपर पावर मुल्क है और ऐसी बातों से वार्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनपिंग शुक्रवार को 1:30 बजे चेन्नई पहुंच जाएंगे और अगले दिन लगभग इसी समय अपने देश वापस चले जाएंगे। इस यात्रा की बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी के एक बार के निमंत्रण पर जहां जिनपिंग दौड़े आ रहे हैं, वहीं इमरान नियाजी द्वारा जिनपिंग को सजदा करने के बाद भी जिनपिंग ने पाकिस्तान में आने की हामी नहीं भरी। वैसे गधों के देश में इंसानों का क्या काम है।
आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।